Hello friends, welcome to my channel. My name is Simran Sahani and today I will teach you English of class 12th. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी novel The Invisible Man, जो class 12th की main novel है और जिसमें से हमारे बहुत important questions आते हैं board के exams में. So guys, novel पढ़ना actually मुझे तो बहुत interesting लगता है. जो ये हमारी novel है Invisible Man, ये one of the most interesting novels है. बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं और जिस तरीके से हमारी क्लास में पढ़ाई जाती है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है. इवन आई नो जब मैंने क्लास में पढ़ी थी, जब स्लोली स्लोली क्लास में रीडिंग हो रही होती है, कुछ समझ में नहीं आता, बस बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं. जब क्लास में पढ़ाई होती है नॉवल को कोई सीरियसली नहीं लेता, बट अगर आप नॉवल को अच्छे से समझ लोगे कि नॉवल में क्या हुआ है, तो आई अश्योर यू 6 मार्क्स का या आई थिंक 8 मार्क्स का, जो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो नॉवल क्वेश्चन के अंदर. कुछ रीड राइटिंग पोर्शन में ऐसे होते हैं जिसमें आप लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, बट अगर आप नॉवल को बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे बिल्कुल ठीक तरीके से तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं. तो गाइज, अगर आप नॉवल पे अच्छे से ध्यान दोगे तो आई अश्योर यू कि यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. सो ये जो इनविजिबल मैन नॉवल है, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है. इसमें मिस्ट्री भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें ड्रामा भी है और इसमें सस्पेंस भी है. तो ये नॉवल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कई लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें नॉवल देखनी है, नॉवल पढ़नी है, तो तुम एक बार मूवी देख लो. बट गाइस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्कोर मार्क्स, तो ये छोटे मोटे तरीक़ों से तुम्हारा काम नहीं चलेगा. एक्चुअल में नॉवल तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी. ये नहीं है कि अगर तुम नॉवल को सुन लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या मूवी देखने से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा. नो, अगर तुम एक बार इसकी समरी भी अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ना अगर पढ़ोगे तभी तुम्हें अच्छे से कर पाओगे, और एक आध बार तुम्हें नॉवल के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. सो ये मैंने नॉवल के पूरी नॉवल की समरी बनाई है ऑफ ऑल द चैप्टर्स. तो आज मैं आपको चैप्टर 1, जिसका नाम है द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल, की समरी पढ़ाऊंगी एंड इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको मार्क कर बताती जाऊंगी साथ साथ में कि इसके ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं. सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम और हम अपनी नॉवल को स्टार्ट कर देते हैं. जैसे ही हमारी स्टोरी शुरू होती है वैसे ही एक अजनबी यानी कि एक स्ट्रेंज मैन एक जगह पे पहुंचता है और वहाँ पे जाके वो एक धर्मशाला में अपना रूम बुक करता है और उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता है एंड उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ठंड के मौसम में पहुंचता है उस धर्मशाला में. बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और वो एक स्टेशन से सीधा एक धर्मशाला में उतर जाता है और वहाँ पर जाके एक कमरा बुक करता है अपने लिए. वो जैसे ही धर्मशाला में पहुंचता है अंदर जाता है और वहाँ पे अपने लिए एक कमरा मांगता है वहाँ की ओनर से. और जो वहाँ की जो ओनर होती है वो उसको देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है बिकॉज वो उनका ऑफ सीज़न होता है और उस ऑफ सीज़न में वो लोग ज़्यादा कस्टमर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सी हो जाती है कि वाओ, एक कस्टमर आ गया है. और वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है जब ये जो स्ट्रेंज मैन होता है वो पैसों को लेकर कोई भी बार्गेनिंग नहीं करता है. जितने पैसे वो जो लेडी ओनर होती है वो बताती है कि हाँ तुम्हारे कमरे का इतना किराया लगेगा, वो उतने किराए में मान जाता है. तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती. फिर वो उसको कमरे दिखा देती है और उसके लिए फायर, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम था तो वो उसके लिए फायर प्लेस में फायर ऑन कर देती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है. जैसे ही वो उसके लिए खाना बनाने के लिए जाती है तो जो उसकी मेड होती है वो बहुत ही स्लोली स्लोली काम करती है. वो अपने मेड से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है तो वो थोड़ा सा अपने मेड को गुस्सा करती है कि जल्दी से काम कर ले, क्या कर रही है तू, ये वो, थोड़ा सा उसको गुस्सा करती है, जल्दी से काम कर और जल्दी से अपने जो उसका नया गेस्ट होता है, जो उसका कस्टमर होता है, उसके लिए मील प्रिपेयर करती है, खाना प्रिपेयर करती है उसके लिए. और वो जैसे ही खाना लेकर जाती है उस स्ट्रेंज मैन के कमरे में और उसको टेबल पे सजा देती है खाने को, तो वो देखती है कि जो स्ट्रेंज मैन के कपड़े होते हैं, जैसे वो हम मैंने आपको बताया था कि वो स्नो में से आ रहा था, तो जो उसके जितने भी कपड़े होते हैं उसके ऊपर स्नो गिरी होती है और वो स्नो मेल्ट कर रही होती है, सब कुछ गीला गीला हो रखा होता है और वो जो स्नो थी वो मेल्ट होके नीचे गिरे जा रही थी उसके फ्लोर के ऊपर. तो उसका जितना भी कारपेट था वो भी गंदा हो रहा था. फिर वो जो इनकी ओनर होती है वो कहती है कि आप मेरे को अपना कोट दे दो, अपनी जैकेट दे दो, मैं इसे सुखा के ले आती हूँ क्योंकि इसमें से पानी गिर रहेगा और नीचे का कारपेट भी गंदा हो रहा है. बट वो जो स्ट्रेंज मैन होता है वो उसको कह देता है नहीं, मैं नहीं दूंगा. वो उसको देने से मना कर देता है कि आई एम ओके, मुझे नहीं देना आएगा. और जो स्ट्रेंज मैन होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ही डिफरेंट सी होती है, बड़ी अजीब सी होती है. उसने बड़े बड़े से ब्लू कलर के स्पेक्टिकल्स यानी कि गॉगल्स जैसे लगा रखे होते हैं, बड़े से ब्लू कलर के, और वो साइड से भी बहुत मोटे से होते हैं, जैसे उसमें साइड लाइट लगी हो, जैसे कोई गाड़ी का हेडलाइट हो उस टाइप के उसके वो थे.
गॉगल्स उसने पहन रखे थे और उसने मूछें लगा रखी थी, और वो मूछें बहुत ही बड़ी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्ली के विस्कर्स हों। तो उसने बहुत बड़ी बड़ी सी मूछें लगा रखी थी, और जो उसके चीक्स थे और उसका जो फेस होता है वो पूरा का पूरा उन मूछों से कवर हो रखा था, और जो उसके कोट के कॉलर थे उसको उन्होंने ऊपर करा हुआ था, के कॉलर को ऊपर करा हुआ था, उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा फेस ढका हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद जो वो धर्मशाला की जो ओनर होती है, वो जब उसके कमरे में जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो जो स्ट्रेंजर होता है वो फायर प्लेस के सामने तो खड़ा होता है, मगर उसने अपने जो कोट होता है, हैट था उसकी, और उसने एक डार्क ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उसको भी उसी टाइम पहना हुआ था, इतनी वो फायर प्लेस के सामने भी उसने उतारा नहीं था, बिकॉज उसके कपड़े गीले हो गए थे, तो वो फिर भी गीले कपड़ों में फायर के सामने खड़ा हुआ था। तो ये चीज़ वो ओनर को बहुत ज़्यादा अजीब लगी। और जो स्ट्रेंजमैन था उसने अपने गले में भी एक मफलर पूरा बांध रखा था, तो मतलब वो टोटली कवर्ड था ऊपर से नीचे तक, और वो उन कपड़ों में, गीले कपड़ों में खड़ा हुआ था फायर के सामने, और वो कपड़े अपने रिमूव नहीं कर रहा था, यानी कि अपनी जैकेट रिमूव नहीं कर रहा था और अपनी हैट और अपना मफलर रिमूव नहीं कर रहा था कि रिमूव करके थोड़ी सी आग के सामने अपने आप को सुखा ले, वो ये सब नहीं कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे बिल्कुल स्टूड खड़ा हुआ था जैसे कोई पत्थर खड़ा हो। बट वो जो ओनर होती है वो नोटिस करती है, क्योंकि जो उसका ओवरकोट होता है, ओवरकोट होता है एक बड़ा सा कोट होता है जो ऊपर से पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, जो उसका ओवरकोट होता है और जो उसके जूते होते हैं वो उसने उतार दिए होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गीले होते हैं, तो उसकी वजह से उसका फर्नीचर ख़राब हो रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं इन दोनों को सुखाने के लिए ले जाऊँ और आपकी हैट को, तो वो कह देता है ठीक है ले जाओ, बट मेरी हैट को यहीं पर छोड़ दो। और वो ये बात बहुत ही रूडली तरीके से, अजीब से तरीके से बोलता है, जैसे उसके मुंह में अजीब सी वॉइस में बोलता है नहीं मेरी हैट छोड़ दो, इन अ मफल्ड वॉइस अजीब सी तरीके से उसको कहता है कि जूते और मेरा जो ओवरकोट है वो ले जाओ, बट मेरी हैट को यहीं पे छोड़ दो। और जो वो स्ट्रेंजर बोल रहा होता है वो अपने मुंह के सामने एक वाइट कलर का हैंकी रख के बोलता है, तो इस वजह से जब वो बोलता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी, तो वो जो हैंकी उसने अपने मुंह के सामने रखा हुआ था इस वजह से उसकी बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। और वो जो लेडी होती है वो इतना हैरान हो जाती है देख के उसके ब्लू कलर के गॉगल्स, और जो उसके ब्लू कलर के गॉगल्स होते हैं उसके ऊपर जो उसका फोरहेड होता है उसके माथे के ऊपर पूरी के में बैंडेजेस बंधी होती हैं, वाइट कलर की बैंडेजेस से उसका पूरा का पूरा माथा कवर हो रखा होता है, और वो जो बैंडेजेस थी उसकी ईयर पे भी कवर हो रखी होती है। तो वो स्ट्रेंजमैन के फेस पे खाली वो वाइट बैंडेज देख रही थी, उसके ब्लू कलर के गॉगल्स, और जो उसकी नोज थी वो पिंक कलर की थी, तो वो बहुत ही डरावना सा दिख रहा था, मत्थे पे पूरी बैंडेजेस और गॉगल्स लगा रखे हैं, ब्लू कलर के मूछें भी हैं और उसकी नोज़ पिंक कलर की। तो वो जो लेडी होती है, ओनर होती है, वो सोचती है कि मे बी इसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, इस वजह से ये अपने मुंह को छुपा रहा है, इसका मुंह थोड़ा ख़राब हो गया होगा इसलिए ये अपने मुंह को बैंडेजेस से और बड़े बड़े गॉगल से इसलिए छुपा रहा है क्योंकि बाई चांस इसका मे बी इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर वो लेडी चुपचाप उसके कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है, और फिर वो दोबारा उसके कमरे में आती है वो टेबल को साफ़ करने के लिए, बिकॉज जब वो पहले जाती है तो वो स्ट्रेंजमैन खाना खा रहे होते हैं, तो फिर वो टेबल को साफ़ करने के लिए आती है। और जब वो उसके कमरे में टेबल साफ़ करने आती है तो वो आदमी जो स्ट्रेंजमैन था वो बैठ के पाइप को स्मोक कर रहा था, यानी कि वो स्मोकिंग कर रहा होता है पाइप से। तो वो नोटिस करती है कि वो पाइप से स्मोकिंग करते हुए भी अपने गले पे से वो पिंक वाला मफलर नहीं हटा रहा था, उसको लूज़ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही कवर्ड होके बैठा हुआ था। तो उसका जो शक था कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा इसलिए वो छुपा रहा है अपना मुंह, तो वो उसका शक बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी में बदल जाता है कि हाँ इसका एक्सीडेंट ही होगा तभी अपना मुंह इतना छुपा रहा है, और उसका जो मफलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली बंधा होता है। तो जब वो लेडी वो टेबल साफ़ कर रही होती है तो वो जो स्ट्रेंजमैन होता है वो उससे अपने सामान के बारे में पूछता है कि उसका थोड़ा बहुत सामान ब्राह्मला स्टेशन पे आएगा, और वो पूछता है कि उसका सामान वापस कब तक आएगा, बिकॉज वो सामान उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता है स्ट्रेंजमैन, बिकॉज जो ओनर होती है वो बताती है कि उसका जो सामान है वो अगले दिन मतलब अगली सुबह तक ही पहुँचेगा, क्योंकि जो वो रोड है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिससे वो सामान आएगा, और वहाँ पे मतलब उस टाइम पे वन के घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो उस टाइम पे वो रोड बहुत ही खतरनाक थी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि स्नो पड़ रही थी, तो बहुत स्लिपरी हो गई होगी वो रोड, तो इस वजह से उसका सामान आज तो नहीं आ सकता, मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आएगा। इस वजह से जो स्ट्रेंजमेंट हो जाता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको सामान उसका ज़रूरी चाहिए होता है। और जैसे ही स्ट्रेंजमैन उससे थोड़ी सी बात करते हैं, यानी कि कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है, तो वो जो लेडी थी ना, ओनर थी इनकी हमारे धर्मशाला की, वो बड़ी बातूनी टाइप की औरत थी, यानी कि जिनको गप्पे मारने का शौक होता है ना, तो वो शुरू हो जाती है उससे बातें करने के लिए, कि उसको मौका मिल जाता है कि हाँ चलो अब मैं भी इससे बात कर सकती हूँ। तो वो अब अपने ना एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस करने लगती है कि
उसकी सिस्टर की बेटी का एक्सीडेंट, बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, नाइफ से उसका गला कट गया था, ये वो, और इंजरीज की और एक्सीडेंट्स की बातें वो स्ट्रेंज मैन से करने लगती है. क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि चाहे मे बी स्ट्रेंज मैन अपने एक्सीडेंट के बारे में भी उसे बता दे. उस औरत को एक्चुअली गप्पे मारने का बहुत शौक होता है, और वो उसके मुँह से निकलवाना चाहती है, कि वो पता करना चाहती है कि उसका मुँह इतना ज़्यादा कवर्ड क्यों हुआ, एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था. तो ये सब पता लगाने के लिए वो अपने बहन के बेटे के एक्सीडेंट के बारे में उसे बताने लगती है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था. बट जो स्ट्रेंजमैन था हमारा, जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसकी बकवास के अंदर. वो उसको बोलता है कि जाओ मेरे लिए जाके माचिस लेके आ जाओ, मेरी मेरी वो माचिस ख़त्म हो गई है. तो वो बहुत उसको रूड लगता है, जो वो लेडी होती है, कि उसकी बात चल रही होती है और बीच में ही उसको वो कह देता है कि जाके मेरे लिए माचिस ले आओ. तो उसको बहुत ही अजीब सा लगता है, किसको, लेडी को. तो वो लेडी को समझ में आ जाता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं बताना चाहता अपने बारे में, और उसको उस एक्सीडेंट्स वाली बात में भी स्ट्रेंज मैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है. और वो लेडी एकदम से तो बहुत गुस्से में हो जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि जो स्ट्रेंज मैन है उसे उसने काफ़ी ज़्यादा पे किया है, तो वो उसका कस्टमर है, तो वो भूल जाती है और चुपचाप जाके उसके लिए माचिस लेकर आ जाती है. और जो वो लेडी होती है, मैंने आपको बताया था कि बहुत एक्साइटेड होकर उसको कमरा दे देती है, और वो जो इतनी एक्साइटेड होती है उसको कमरा देने के लिए, और वो जो स्ट्रेंजर था उससे नाम पूछना भी भूल जाती है. अब जैसे कोई होटल में हम लोग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं धर्मशाला में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग वो हमारी आइडेंटिटी पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कुछ आईडी प्रूफ वगैरह भी मांगते हैं. बट वो जो लेडी होती है वो इतनी ज़्यादा पागल सी हो जाती है, वो उस अपने कस्टमर का नाम तक नहीं पूछती. तो उसको इस वजह से हम स्ट्रेंज में नहीं कह रहे थे. और फिर जो स्ट्रेंजमैन होता है वो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाता है. रात को 4 सुबह के 4 बजे तक वो अपने कमरे के अंदर ही रहता है. और जो वो लेडी होती है, जो ओनर होती है धर्मशाला की, उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलता उसके कमरे के अंदर जाने का. तो वो अपनी प्राइवेसी को एंजॉय करता है, जो स्ट्रेंजर होता है आराम से अपने कमरे में बैठा रहता है. और जो जो लेडी नीचे होती है तो वो सुन रही होती है कि अपने कमरे में क्या कर रहा होगा. कभी कभी उसे उसको चलने की आवाज़ आती है, या वो स्ट्रेंजर अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो ऐसी ऐसी आवाज़ें उस लेडी को आ रही होती हैं. कभी वो स्ट्रेंजर कमरे में चलता था, और कभी वो स्ट्रेंजर अपने आप से बातें कर रहा था. सो ये इतना ही दे रखा था हमारे चैप्टर 1 में, द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल में, कि एक स्ट्रेंज मैन आता है एक स्टेशन से, और उसने हाथ में ग्लव्स पहने होते हैं, और उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता है. फिर वो एक धर्मशाला में जाता है कमरा मांगते हैं, और वहाँ की ओनर उसे चुपचाप कमरा दे देती है, क्योंकि वो उसको अच्छे खासे पैसे दे रहा होता है, और उन दिनों में कस्टमर आते नहीं हैं, ऑफ सीजन था, तो वो बहुत खुश होकर उसे कमरा दे देती है. और फिर वो अपने गेस्ट के लिए खाना बनाने चली जाती है, और उसके लिए फायर ऑन कर देती है. फिर वो जो ओनर होती है वो उससे कहती है कि अपना हैट और अपने ओवरकोट दे दो मुझे सुखाने के लिए. तो फर्स्ट टाइम में तो वो मना कर देता है, और नेक्स्ट टाइम वो उसको दे देता है. और जो स्ट्रेंजर होता है उसकी अपीयरेंस बहुत अजीब सी होती है, उसने ब्लू गॉगल्स लगा रखे होते हैं, विस्कर्स होते हैं, और उसके मुँह बैंडेजेस से कवर्ड होता है. और जब वो बोलता था तो अपने मुँह के आगे हैंकी रख के बोलता था. तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगी. तो इस वजह से जो ओनर थी उसने सोचा कि क्या पता इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, इस वजह से अपना मुँह छुपा के फिर रहा है ये. फिर स्ट्रेंज मैन अपने सामान के बारे में पूछता है कि कब तक उसका लगेज स्टेशन से आएगा. तो जो ओनर होती है वो बताती है कि कल सुबह तक आएगा. तो स्ट्रेंज मैन थोड़ा परेशान हो जाता है, और इस बहाने से स्ट्रेंज मैन से जो ओनर होती है वो बातें करने लगती है, अपने अपनी किसी कज़न के बेटे के एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने लगती है, जिससे कि स्ट्रेंज मैन उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दे. बट स्ट्रेंज मैन उसे रूडली बहुत उसको कमरे से जाने के इनडायरेक्टली कह देता है मेरे लिए मैच स्टिक्स लेके आ जाओ. तो उस ओनर को भी बहुत अजीब लगता है, बट फिर उसको लालच आ जाता है अपने पैसों का, और वो चुपचाप जाके ले आती है. और फिर 4 बजे तक हमारा जो स्ट्रेंजर है वो अपने कमरे में बंद रहता है, घूमता रहता है, और अपने आप से बातें करता रहता है. सो बस इतने में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल. एक बार मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ, कि किस समरी की रीडिंग कर देती हूँ, कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से आंसर लिख सको अपनी लैंग्वेज में. और ये जो समरी मैंने बनाई है ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है, जो हमारी नॉवल है BBC की, ऑरेंज पब्लिकेशन, इतनी सारी पब्लिकेशन की इतनी टफ लैंग्वेज यूज़ करी हुई है उसमें. सो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बनाया है. Let's read the summary. The story unfolds with a stranger arriving at an inn, Coach and Horses, in early February. Through a biting wind and a driving snow, the last sunfall of the year, walking from the Bamblehurst station, carrying a thick black suitcase in his thickly gloved hand, he was wrapped from head to toe. He wore a long-sleeved thick coat and gloves. His face was hidden entirely by bandages except for his pink nose. He had put on a wide-brimmed hat. He walked into the Coach and Horses Inn, flung his suitcase in down, and asked for a room and a fire in the name of human charity. So,
जब स्टोरी शुरू होती है, व्हेन द स्टोरी अनफोल्ड, स्ट्रेंजर अराइव करता है इन पे. इनका मतलब होता है धर्मशाला, और उस इनका नाम था कोच एंड हॉर्सेस. और वो पहुंचता है वहाँ पर अर्ली फेब्रुअरी में, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही होती है. उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता है और थिक ग्लव्स पहने होते हैं. वो ऊपर से नीचे तक कवर हो रखा होता है. उसने ग्लव्स पहने होते हैं, कोट पहना होता है, और जो उसका मुंह होता है वो इंटायरली बैंडेजेस से ढका हुआ होता है. और उसकी जो नोज़ थी वो पिंक कलर की थी, और उसने एक ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई थी जो वाइडली ब्रिम्ड थी. वाइड ब्रिम्ड हैट मतलब जो एक चौड़ी सी हैट होती है, जिसका जो सर्कुलर पीस होता है वो बहुत चौड़ा होता है, तो वो होती है हमारी वाइट ब्रिम्ड हैट. और वो कोच एंड हॉर्सेस इन जो धर्मशाला था उसके अंदर घुसता है, और जाके वहाँ पे अपने लिए कमरा मांगता है और फायर मांगता है इन द नेम ऑफ चैरिटी, ह्यूमन चैरिटी. ओके, सो गेस्ट वर रेयर साइट इन इपिंग एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, एंड सो मिसेस हॉल द ओनर ऑफ द इन वॉज मोर देन हैप्पी टू हैव हिम. शी स्टक द बार्गेन एंड वॉज वंस अगेन एब्सोल्यूटली थ्रिल्ड टू नोटिस दैट द गेस्ट एक्सेप्टेड ऑल हिज टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट एनी हैगलिंग. शी शोड हिम हिज क्वार्टर्स, लिट द फायर एंड वेंट टू प्रिपेयर हिम अ मील. हर मेड मिली, हु वॉज एक्सेसिवली स्लो एंड इनएफिशियंट, गॉट रिब्यूक्ड फॉर डीलिंग मस्टर्ड. मिसेस हॉल Meanwhile, had cooked ham and eggs. So, जो गेस्ट होता है, जैसे वो पहुँचता है इपिंग में, जो जिस जगह पे वो पहुँचता है वो उसका नाम है इपिंग. और वो कहाँ से आता है, वो आता है ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन से, ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन. एंड वो कहाँ पे पहुँचता है, इपिंग में. ये जो कोच एंड हॉर्सेस इन जो धर्मशाला है, यानी कि इन, धर्मशाला को इन कहते हैं, वो कहाँ पे था, हमारा जो वो सिटी है उसका नाम है इपिंग, IPING, इपिंग में वो पहुँचता है. और जो वो इन होता है यानी कि धर्मशाला होता है, उसकी ओनर का नाम है मिसेस हॉल, मिसेस HALL हॉल. तो वो जो मिसेस हॉल होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ओनर ओनर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होता रहती है जब वो स्ट्रेंज मैन आता है, गेस्ट आता है उसके पास, कस्टमर आता है, बिकॉज वो उसका ऑफ सीजन होता है और वो ज़्यादा कस्टमर्स एक्सेप्ट नहीं कर रही होती. और उसी टाइम जो वो जो उनका हिसाब होता है, यानी कि वो रूम के किराए को लेकर भी जो स्ट्रेंज मैन होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और चुपचाप अग्री कर लेता है जो भी वो कंडीशंस रखती है. उसके बाद वो जाती है, उसके लिए फायरप्लेस ऑन कर देती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है. एंड इन द मीनवाइल वो जो अपनी मेड होती है उसको डांट भी देती है, बिकॉज वो बहुत स्लोली काम कर रही होती है. She took them to room and while laying the table noticed that the melting snow that sprinkled his shoulder dripped upon her carpet. She offered to dry up his coat and jacket and hat but was refused. She saw that he wore a big blue spectacles with slight blue lights and had a bushy side whiskers over his coat collar that completely hid his cheeks and face. तो वो हैम एंड एग्स जो उसके लिए बनाती है खाने में, उसे लेकर उसके रूम में लाती है, जाती है और उसका टेबल को सजा देती है, खाने के टेबल को सजाती है. तो वो नोटिस करती है कि जो स्नो होती है वो उसके कपड़ों पे से मेल्ट हो गई, उसके कारपेट पे गिर रही होती है और उसे ख़राब कर रही होती है. तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा जैकेट और तुम्हारी हैट को सुखाने के लिए ले जाती हूँ, बट वो रिफ्यूज़ कर देता है. फिर वो नोटिस करती है कि जो स्ट्रेंज मैन होता है उसने बिग ब्लू कलर के स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं जो लाइट जैसे लग रहे होते हैं, और उसके बुशी विस्कर्स होते हैं, मूछें होती हैं बड़ी बड़ी सी, और जो उसका कोट का कॉलर होता है उसने ऊंचा कर रखा होता है, ओपन कॉलर कर रखा होता है उसने, जिससे कि उसका जो पूरा चीक्स था और फेस था वो ढका हुआ लग रहा था, कुछ सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ छुप गया था. However, when she returned to the room, she was surprised to see that although the fire was burning up briskly, the stranger still wore his hat and dark brown velvet jacket with the high collar turned up about his neck. He also had a silk muffler tied around his neck. The stranger seemed lost in his thoughts and stood like a man of stone. She noticed that the overcoat and hat had been taken off and a pair of wet boots threatened to rust to her steel fender. In a voice tolerating no denial, she said that she would take them to dry. The stranger accepted, but in a muffled voice, told her to leave the hat. ओके, तो हमने यहाँ हैट तक पढ़ लिया है. तो जैसे ही वो उसके रूम में वो खाना लेके जाती है, वापस जाती है, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो फायर होती है वो बहुत अच्छे से जल रही होती है, पूरा रूम बहुत गर्म हो गया होता है, बट जो स्ट्रेंजर होता है उसने अभी भी अपनी जैकेट को और अपने हैट को पहन रखा होता है. और वो देखते हैं कि जो उसका जैकेट होती है वो उसने अपने जैकेट के कॉलर ऊपर कर लिए थे, पहले उसने अपने कोट के कॉलर ऊपर करे हुए थे, फिर वो देखते हैं कि उसने जो अपना
कोट होता है और उसके जो बूट्स होते हैं दोनों गीले होते हैं वो उसने उतार दिए होते हैं, और वो उसके जो उसका जो फर्नीचर होता है उसको ख़राब कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि मैं इन्हें सुखाने ले जाऊं, तो वो उसको कह देता है हाँ ले जाओ ऐसे, बट मेरी हार्ट को छोड़ दो। और वो उसे बहुत अजीब तरीके से बोलता है, मफल्ड वॉइस में बोलता है कि मेरी हार्ट को छोड़ दो, लीव माई हार्ट नाउ फर्दर ऑन। एज शी सेड दिस शी टुक द शी स्टूड शॉक एंड गेपिंग वाइड एट हिम। ही हेल्ड द वाइट क्लोथ ओवर द लोअर पार्ट ऑफ हिज फेस सो दैट हिज माउथ एंड जॉ वर कम्प्लीटली कवर्ड एंड हिडन, दस कॉजिंग दैट मफल्ड वॉइस। बट वॉट शॉक्ड हर मोस्ट वॉज हिज फोरहेड अबव हिज ब्लू ग्लासेस फुली कवर्ड बाय अ वाइट बैंडेज, अनदर कवर्ड हिज ईयर्स नॉट लीविंग एन इंच ऑफ हिज फेस एक्सपोज एक्सेप्ट हिज पिंक नोज। शी अज्यूम दैट ही माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। जैसे ही वो उसे अपनी हार्ट को छोड़ने के लिए कहता है, जो वो मिसेस हॉल होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक तरीके से खड़ी हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज जो वो स्ट्रेंज मैन होता है वो मफल्ड वॉइस में बोलता है, जब वो बोल रहा होता है तो वो एक वाइट कलर का हैंकरचिफ अपने मुंह के सामने रख के बोलता है, इस वजह से उसकी वो वॉइस जो होती है वो मफल हो रखी होती है। और फिर वो एक और चीज़ नोटिस करती है और ज़्यादा शॉक हो जाती है, जो उसके ब्लू गॉगल्स होते हैं उसके ऊपर पूरे में वाइट बैंडेजेस बंधी होती हैं और वो बहुत ही डरावना लगता होता है। तो फिर वो अज्यूम करती है कि मे बी इसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। So now she went to dry his clothes. After a little while, when she came to clear away the table, her idea that his mouth had been cut or disfigured was confirmed, for he was smoking a pipe, and all the time she was in the room, he never loosened the silk muffler he had wrapped around the lower part of his mouth. जैसे ही वो उसके कपड़े सुखाकर रूम में वापस लाती है, तो उसका जो शक होता है कि मे बी इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, वो और ज़्यादा उसका कंफर्म हो जाता है। बिकॉज जब वो स्मोक कर रहा होता है, जैसे वो उसके कमरे में जाती है वो पाइप स्मोक कर रहा होता है, और वो पाइप स्मोक करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा, और वो सिल्क मफलर को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करता, पूरा रैप होकर अपने पाइप को स्मोक कर रहा होता है। तो ये देखकर मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए ये अपने फेस को कवर कर रहा है। And said his luggage was still at Bramblehurst station and inquired how he could have it collected. He was very disappointed when she told him that it could not be possible before the next day. She elaborated that it was an accident-prone route and no driver would venture to take his trap, one-horse carriage there till next morning. Mrs. Hall took it as an opportunity to cut ice with him and tried striking a conversation, but he was tough not to crack. सो बेसिकली जो हमारा स्ट्रेंजर है वो पूछता है कि ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन पे मेरा लगेज है वो कब तक वापस आएगा, और जो मिसेस हॉल होती हैं वो उसे बताती हैं कि उसका जो लगेज है वो कल तक ही वापस आ पाएगा, बिकॉज जिस रास्ते से लगेज आएगा वो जो रोड है वो बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन है, बिकॉज स्नो थी वहाँ पे और वो रोड बहुत स्लिपरी हो जाती है, इसलिए कोई भी ड्राइवर रात के समय उसका लगेज लेकर नहीं आएगा, उसे अगले दिन तक रुकना पड़ेगा। मिसेस हॉल्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द एंड जो मिसेस हॉल होती है वो उसके साथ जैसे ही जो स्ट्रेंजर होता है वो अपने लगेज के बारे में इंक्वायर करता है, तो मिसेस हॉल को एक मौका मिल जाता है उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। सो मिसेस हॉल्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द सडननेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड हर account of her sister's son being injured with a reaping knife and had to end suddenly as the stranger uncremiously cut her short and asked her for some matches to relight his pipe that had gone out. Mrs. Hall felt snubbed by his obvious disinterest in her account and his rudeness. Still, she put up all his demands as she remembered the sovereigns that he had given his as advance. In her excitement, she had not even asked the stranger's name. सो मिसेस हॉल उससे बातें करना शुरू कर देती है और वो एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस करने लग जाती है, और बताती है कि उसकी सिस्टर के जो बेटा था उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, गले से चाकू से उसका गला कट गया था, एंड इंजरीज और एक्सीडेंट्स के बारे में वो बात करने लगती है। बट स्ट्रेंजर उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते और वो बहुत रूडली उसको बोल देता है कि मेरे लिए मैच स्टिक्स लेके आ जाओ, मेरा पाइप बुझ गया है।
तो जो मिसेस हॉल होती है उसको बहुत ही अजीब सा लगता है, उसे शर्म आ जाती है उस, क्योंकि जो स्ट्रेंजर होता है उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है। तो मिसेस हॉल उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय चुपचाप जाके उसके लिए मैच स्टिक्स लेकर आती है, बिकॉज उसे याद आ जाता है कि जो मिस स्ट्रेंजर है उसने उसे 100 रेंस यानी कि जो उसने उसको बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो वो उसका गेस्ट है तो उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और जो मिसेस हॉल होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं अपने न्यू कस्टमर को लेकर कि वो उसका नाम भी नहीं पूछती है। द स्ट्रेंजर कन्फर्म्ड हिमसेल्फ टू हिज रूम टिल 4 o'clock। मिसेस हॉल कुड नॉट जस्ट गेट एनी एक्सक्यूज टू विजिट हिज रूम एंड द गेस्ट एन्जॉयड द प्राइवेसी ऑफ द पार्लर अंटिल इट स्टार्टेड ग्रोइंग डार्क, ईदर टॉकिंग टू हिमसेल्फ और पेसिंग टू देम। तो स्ट्रेंजर अपने कमरे में रहता है 4 o'clock तक और मिसेस हॉल को कोई बहाना नहीं मिलता उसके कमरे के अंदर जाने का, और स्ट्रेंजर अपनी प्राइवेसी को एंजॉय करता है अपने पार्लर में। और जो हमारा स्ट्रेंजर मैन होता है उसने 2 कमरे बुक करे होते हैं, एक उसने अपना रूम बुक करा होता है और एक उसने अपने लिए पार्लर बुक करा होता है नीचे। और वो चुपचाप अपने कमरे में 4 o'clock तक रहता है जब तक रात हो जाती है। और जो मिसेस हॉल होती है उसको सुनाई देता है कि वो जो स्ट्रेंज मैन है वो अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा होता है पेसिंग, एंड वो अपने आप से कई बारी बातें कर रहा होता है। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द चैप्टर 1 ऑफ द नॉवल इनविजिबल मैन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉवल में क्या हुआ है, एंड आपको मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया है कि स्टोरी में स्टार्टिंग में क्या हुआ था। इसी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन दे दूंगी जिससे आप एग्जाम में इजीली लिख लो, और थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं हम। इनका नाम था हमारे कोच एंड हॉर्सेस, वो अर्ली फेब्रवरी में आया था। स्टेशन का नाम था ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन। कौन सी जगह पे गया था हमारा स्ट्रेंजर? एपिंग में। और जो ओनर थी इनके उनका नाम था मिसेस हॉल, और जो मिसेस हॉल थी उनके मेड का नाम क्या था? उसका नाम था मिली। मेड का नाम था माइली, MILLIE। और वो क्या बना रही होती थी? वो उसकी डांट पड़ जाती है बिकॉज वो अपना काम धीरे धीरे कर रही होती है। एंड जो स्ट्रेंजर होता है उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता है और उसने ग्लव्स पहने होते हैं और उसका फेस बिल्कुल कवर्ड होता है। और ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी जो हमें याद रखनी है। ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन से वो रेलवे स्टेशन से वो आता है और एपिंग में रुकता है, और कोच एंड हॉर्सेस में वो रूम अपने लिए बुक करता है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड। आई होप यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, तभी मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस बनाऊंगी गाइस। मैं इंग्लिश के ऊपर अभी इनविजिबल मैन कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद आई विल मूव फर्दर टुवर्ड्स अदर अदर चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड वन थिंग मोर, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको इन नोट्स का नोट्स के ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैं ये नोट्स की फ़ोटोज़ अपलोड कर दूंगी। सो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वहाँ पे कमेंट कर देना, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बाय बाय।